नमस्कार दर्शकों, मैं द्रवंती घोष आप सबका फैक्ट सेंडर के फैक्ट फाइल्स में स्वागत करती हूँ। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सोशल मीडिया पर काफी फर्जी दावे वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक पोस्ट को साझा करते हुए दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों का लिस्ट साझा किया है। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि 27 नाम दिए गए हैं। इस लिस्ट के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि 27 में से 22 उम्मीदवार मुसलमान समुदाय से है। फैक्ट सेंडर ने इस पोस्ट की पड़ताल करने पर पाया कि 14 जनवरी 2020 को आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस पोस्ट के क्लैरिफिकेशन दिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि एक महत्वपूर्ण मैसेज है, जिसमें उन्होंने 70 उम्मीदवारों के नाम का घोषणा किया है। उन्होंने उनको मुबारकबाद भी किया है। इस लिस्ट में हम देख सकते हैं कि 70 में से सिर्फ 27 ही नाम सोशल मीडिया के वायरल पोस्ट में साझा किया गया है। जब हमने आम आदमी पार्टी द्वारा घोषणा की गई लिस्ट और सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट की लिस्ट को कंपेयर किया, तो हमने पाया कि 27 में से 17 नाम बदले दिए गए हैं। इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का जो लिस्ट वायरल हो रहा है, वो असल में एक फर्जी लिस्ट है। उसमें से इस पोस्ट में 27 में से 17 नाम बदले दिए गए और लोगों को भ्रामक करने के लिए इस पोस्ट को वायरल किया जा रहा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे पोस्ट, वीडियो और इमेजेस को शेयर करने से पहले एक बार उसकी सच्चाई जान लें। और अधिक फेक न्यूज की सच्चाई जानने के लिए हमारे वेबसाइट factcreationer.com को विजिट कीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।